लोकतंत्र के अहाते में जम्मू कश्मीर नहीं करवटें ले रहा है। केंद्र सरकार ने बार बार यह कहा कि जम्मू कश्मीर में चुनाव होंगे, अब उसी वादे को जमीन पर उतारने की कवायदें शुरू हो गई हैं। वोटर लिस्ट में सुधार का काम जोर शोर से चल रहा है और इस काम के साथ सियासत भी तेजी से हो रही है। तीन परिवारों ने भ्रष्टाचार करने में कोई चीज नहीं छोड़ी। जो पहले तीन परिवार के पास था, इसकी जगह अब 30,000 लोगों के पास जम्मू कश्मीर का शासन आया है। मित्रों, मोदी जी ने सबसे पहले पंचायत के चुनाव कराए। जम्मू कश्मीर में जिस मौसम में लहक उठता है चनार, चमक उठता है चनाब का पानी, सफेद होने लगता है घाटी का आखिरी पत्थर, सर्द हवाएं गाने लगती हैं बसंती राग और शरीर को नर्म नर्म गर्माहट देता है कावा, उसी मौसम में जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र का फूल खिलाने की तैयारी आरंभ हो गई है। इसे चुनावी शंखनाद भी कह सकते हैं। 170 हटाने के पीछे जो मंशा है बीजेपी की, वो बहुत ही नाजायज है। तैयारियां चुनाव आयोग की ओर से भी हैं। जिन बदलावों का फैसला लिया गया था, अब उन्हें लागू करने के आदेश भी जारी हो रहे हैं। जम्मू में एक साल से रह रहे लोगों को वोटर लिस्ट में जगह मिलेगी। तहसीलदारों या राजस्व के अधिकारियों को आवास प्रमाण पत्र जारी करने के अधिकार दिए गए हैं। जम्मू के जिला निर्वाचन अधिकारी की ओर से उन दस्तावेजों की सूची भी जारी की गई है, जिन्हें निवास के प्रमाण के तौर पर स्वीकार किया जा सकता है। प्रमाण पत्र जारी करने का मकसद उन लोगों को मतदाता सूची में शामिल करना है जो रजिस्ट्रेशन में परेशानियों का सामना कर रहे हैं। जम्मू प्रशासन के आदेश के बाद कश्मीर की सियासत एक बार फिर सुलग उठी है। आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। इसमें ये कहा गया है कि जो 7 डॉक्यूमेंट्स हैं, उसमें आधार है, बैंक की कॉपी है, इसी तरह से ड्राइविंग लाइसेंस है, कुछ मकान के कागजात हैं। इन 7 कागजों को लेकर के उन्होंने ये कहा है कि कोई भी जो एक साल से यहाँ पर रह रहा है वो वोट बनवा सकता है। ये तो एडमिनिस्ट्रेशन सारी जो है वो भाजपा के इशारे पे नाचती है, और इस वक्त जो एडमिनिस्ट्रेशन है, LG एडमिनिस्ट्रेशन, वो रिमोट कंट्रोल से चलती है। इसलिए मंशा और नीयत साफ है कि आउटसाइड वोटर्स जो यहाँ पे घूमने भी आता है, किसी का बैंक में खाता है, वो यहाँ काम करने आता है फिर जाता है, तो वो भी एक मान लिया गया। और किसी कानून में एक साल का कोई ऐसा प्रावधान नहीं। आपको बताते हैं कि वो कौन से दस्तावेज हैं जिनके आधार पर जम्मू में एक साल से रह रहे लोगों को वोटर लिस्ट में जगह मिल सकती है। एक साल के लिए पानी, बिजली, गैस कनेक्शन, आधार कार्ड, राष्ट्रीयकृत अनुसूचित बैंक, पोस्ट ऑफिस का मौजूदा पासबुक, पासपोर्ट, जमीन के मालिकाना हक का किसान बही समेत राजस्व विभाग का रिकॉर्ड, अगर किराएदार हैं तो रजिस्टर्ड रेंट या लीज डीड, अगर खुद का घर है तो सेल डीड। जम्मू प्रशासन ने जो दिशा निर्देश जारी किए हैं, उनमें ये भी कहा गया है कि नए वोटर के रजिस्ट्रेशन में इन दस्तावेजों के अलावा निवास के अन्य प्रमाण पत्र भी स्वीकार किए जाएंगे। हालांकि ऐसे मामलों में इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर की तरफ से अधिकार प्राप्त अधिकारी को फील्ड वेरिफिकेशन करना होगा। अब जम्मू प्रशासन के फैसले पर सियासी कोहराम है। बीजेपी को छोड़कर सारी पार्टियां विरोध कर रही हैं। महबूबा मुफ्ती को सुनिए। देखिए, हम पिछले कई सालों से ये बात बता रहे हैं कि 370 हटाने के पीछे जो मंशा है बीजेपी की, वो बहुत ही नाजायज है, और उनका मकसद है जम्मू कश्मीर की जो आबादी है उसका तनासुल, उसको चेंज करना। और अब ये शुरुआत जो है, जम्मू में लोगों का बाहर से सैलाब आएगा, जिसकी वजह से न सिर्फ वहाँ का जो डोगरा कल्चर है उसको नुकसान होगा, बल्कि जो वहाँ का कारोबार है, वहाँ की नौकरियाँ हैं, वहाँ के जो हमारे पास जो वसाइल हैं, उनके ऊपर डाका डाला जाएगा। वैसे तो शिवसेना जम्मू कश्मीर में बीजेपी का समर्थन करती है, मगर इस मामले में वो भी विपक्ष की तरह विरोध का सुर साध रही है।
जो मतदान को गैर स्थानीय लोगों के मतदान को लेकर जो क्राइटेरिया फिक्स किया गया है, जो मात्र एक साल का उनके पीरियड फिक्स किया गया है, हम कड़े शब्दों के अंदर उसकी निंदा करते हैं। एक बार फिर ये स्थानीय लोगों के हकों का, उनके अधिकारों का हनन है, उनके साथ विश्वासघात है। जम्मू के चुनाव अधिकारी के फैसले से ये साफ है कि पहले से मौजूद वोटर लिस्ट लंबी होगी, लिहाजा तय है कि सियासत अपने शिखर पर जरूर जाएगी। जम्मू से सुनील जी भट्ट के साथ आज तक ब्यूरो।